अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो शुक्र है आज धूप निकली हुई है। लो देखें, सूरज को देखें तो अलग ही आंखों में चमक आ जाती है कि शुक्र है ऊपर ठंड नहीं है। आज फॉग थी लेकिन सुबह के टाइम, रात के टाइम नहीं थी। और अभी आप देखें वर्क प्लेस को, एक नज़र वर्क प्लेस पे, ठीक है? तो क्या करना है मुझे, अभी मुझे सोचना पड़ रहा है। वेट अ मिनट, टाबत में चुक दें, चुक के इतने रखने हैं। हाय, हाँ जी जी, कल मैंने क्या आपको दिखाना था? मैंने दिखाना था आपको, मैं कल प्योर सीमेंट का टेक्सचर क्रश करके, सिफ्ट करके रख के गई थी। देखें भाई, इस कदर टफ लग रहा था ना उस टाइम मुझे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट करके ही जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करके भी गई हूँ, क्योंकि जब एक दफ़ा मैं चीज़ छेड़ दूँ ना, करना स्टार्ट कर दूँ, तो फिर उसको मैं जब तक मुकम्मल ना कर दूँ, मुझे बेजारी रहती है कि नहीं भैया अधूरा काम। हाँ, कई बार तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो ना, तो मैं फिर नहीं इतना काम की तरफ इतनी मेहनत कर पाती है, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं इजाज़त दे पा रही होती है। लेकिन जब थोड़ी बहुत हिम्मत होती है और होता है कि काम पेंडिंग पे ना जाए, तो फिर मैं अपने काम को कंप्लीट करके ही जाती हूँ। ठीक है, ये टेक्सचर तो मेरा हो गया पूरा, क्रम्ब पाउडर सिफ्ट भी कर लिया मैंने इसको, और ये देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो गया। अब मैं इसकी शेप्स बनाऊँगी ना जब इंशाल्लाह ताला, तो मैं आपके साथ इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो लेकिन अभी एक इसका थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो इस तरह से जो फर्स्ट टाइम मैंने इसके टेक्सचर को जब क्रम्बल किया था, फ्लोर क्रम्बलिंग की थी, तो ना तब वो टेक्सचर जो था ना, मैंने ना पाउडर किया था ना सिफ्ट किया था, मैंने जस्ट उसको क्रम्बल करके ना, उसको पानी मिक्स करके ना, मैंने ना उसको रख दिया था टब में। और ये देखें अभी तक गीला है, ये वाला पार्ट जो है ना अभी रहता है प्योर सीमेंट का। ये देखें, ये जब सूख जाएगा ना, मुझे लगता है ये भी हार्ड है। ये देखें, ये हार्ड है। बहरहाल जब ये सूख जाएगा ना, इसकी मैं क्रशिंग कर लूँगी, ब्लॉग में ही करूँगी और आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, ठीक है? और क्या करना था भाई, और आज मैं सोच रही हूँ इसको भी शिफ्ट करके ना रख देती हूँ। और ये देखिए, मैं सारी वर्क प्लेस अपनी साफ़ करके, टेक्सचर सारे जो ज़मीन पे साइड पे पड़े होते हैं उनको इकट्ठा करके रखे गई थी, क्योंकि मुझे होता है कि मैं जब आऊँ सुबह तो मेरा काम जो है ना वो ना पड़ा हुआ पेंडिंग पे। भाई ये टेक्सचर सेट होने का नाम नहीं ले रहा। ये मैं जो क्रीम लेकर आती हूँ ना शेप को, इसका मतलब ये होता है मैं फोकस ले रही हूँ। ये देखे, मैं इसको उठा रही थी कल, उठाया ही नहीं गया।
ये होता है खिलाड़ा पाना। इनू भी क्रम्बल करने होते डैम और ड्राई। एक मिनट, ये शेप नहीं सूखते। चले कुछ होते अच्छा। मैं कह रही थी कि मैं ना इसकी शेप्स बना देती हूँ क्योंकि ये केक्स तो मन सूख नहीं रहे। ठीक है, एक शेप बनाते हुए दिखा देती हूँ, बाकी फिर बना लूँगी आराम से। ये शेप बड़ी जल्दी निकल आती है। जब पानी कम हो ना ठोक के शेप बनाओ, ठोक के यानी सख्त हाथों से, और फिर इसको टैप करो और फिर जिधर निकालनी है उसको निकाल दो। ये देखिए अभी निकलेगी शेप, और अगर ना निकली तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। चेक इट आउट दिस। एक और बनाते हैं क्योंकि इन कामों में नहीं पूरा व्लॉग लगाना भाई। और जोर का मारो, कम जोर आवाज आई है। बंद दो दरवाजा। शेप्स बनाने की दौरान जगह जो होती है ना वो थोड़ी साफ कर लेनी चाहिए ताकि शेप जो है ना वो अच्छे से निकले और गंद ना मचाओ। देखे सीजन के मुंह। चले जाइए मैं बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सामने वाली अपनी आंटी, सामने वाली आंटी ने अपने बेटे को कहती है ऐसी चमाट मारी ना तेरे मुंह पे, आगे पता नहीं क्या आ गया तेरा। ये देखिए मैंने ना इसमें येलो टेक्सचर मिक्स कर दिया, इसका आप कलर देखें चेंज है, इससे चेंज ही दिखे है ना। लेकिन अब दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली है। देखिए मैंने सिलेंडर्स बना दिए। मैं ना पता क्या करने लगी, जो मैंने पीसी हुई रेड रेड रखी थी ना उसको मैं ना इसके ऊपर शिफ्ट करने लगी हूँ। मैंने कहा आपको दिखाती हूँ शिफ्ट करते हुए इस पर। ठीक है, थोड़ी फ्रेश हो जाएगी।
क्या कलर आ रहा है माशाल्लाह, देखें ज़रा। जैसे हम केक पे शुगर पाउडर जो होता है, कैस्टर शुगर होती है, स्प्रिंकल करते हैं ना, लाइक दैट। साड़ी हम पालेंगे ते ठीक है, साड़ी में डाल दिए। वेट ज़रा, ये सामने वाली आंटी है जो चढ़ी है ऊपर, मुझे देखे ना बस। हाँ, ताकि मैंने इसको इसी से सिफ्टर से सिफ्ट किया था, लेकिन स्टील इसके अंदर कुछ गंदा आ गया नज़र। ये देखिए चेक करें, चलो वीडियो बना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने रेड डॉट की वीडियो बना ली है, कुछ शेप्स मैंने बताई थी, व्लॉग में क्रमलिंग करूँगी। चेक इट आउट दिस, मुझे ना बहुत सांस चढ़ता है व्लॉग के अंदर, ना क्रमलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है। मैं तो ब्रेक्स लेती हूँ क्रमलिंग के दौरान, क्योंकि मुझे होता है मेरी ऑक्सीजन का ऐसे आवाज़ ऐसे हाय ये हो गया, ऑक्सीजन की ना लेवल जो होता है वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो एक माइक की तकलीफ चुक पहनी। एक मज़ा मेरी रेडियो की वीडियो अच्छे से बन जाती है ना, तो मेरी ऐसे मेहनत वसूल हो जाती है हफ्तों की नहीं महीनों की। मैं बड़ी संभाल के इसकी वीडियो बनाती हूँ कि भाई इन बनावा तो मज़ा आए, शोर ना पावे बिच वीडियो दे। देखिए मैंने कितनी ज़्यादा शेप्स बचाई है, ठीक है। लेट्स क्रम्बल दिस टेक्सचर, ये मैं जो ब्लॉग में बोलती हूँ ना इस तरह से, यकीन करें मैं नॉर्मली लाइफ में भी नॉर्मली ये जो है ना मेरी रूटीन लाइफ है उसमें भी ऐसे ही बात करती हूँ, कोई नाश्ता वाड़ के नहीं बात करती मैं। आप शुरू से अगर मेरे ब्लॉग देखें ना, आपको पता चले कि मैं कितनी बकवास करती हूँ। वो तो मैंने कम कर दी है क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ऐसी होती है, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ तो सिली बुसी तरक्की बनी होती हूँ, लेकिन जब मेरी बहनें साथ होती ना तो फिर मैं अलग तरह रख रख के सुनावा, मैं उन्होंने पता चले कि गल कर दी है मैंने, चले बकवास ज़्यादा करने में क्रबली करते हैं। पागल ही हो जाती हूँ क्रमलिंग करते ना, भूल जाती हूँ कि व्लॉग स्टार्ट हुआ है। कभी कभी अर्घित से वैसे थोड़ा पाउडर लेके ना पेस्ट बना के मैं वो जो टिपिंग वाली रिक्वेस्ट आई थी ना रेड पेस्ट में पूरी कर दूँ, फिर मैं कहती इसमें सिर्फ टेक्सचर ना कम पड़ जाएगा, तो तब वो रेड से तो मुश्किल से टिकी जाती है। चले कोई जुगाड़ करते हैं।
ये देखें मैं रेड पेस्ट लेकर आई हूँ, रेड रेड से बना इतनी भी मुझे गाढ़ कर सकती हूँ। एक टेक्सचर को भी डिप करने वाला सीन है, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे नो, मुझे इतनी हाई फाई किस्म की वीडियो से बनानी आती। चले पेस्ट पोर करते हैं, वीडियो बनाते हैं। अच्छा जी, वीडियो मैंने बना ली, और यकीन करें वीडियो बनाने के बाद इतना खलारा मचा है ना, ये देखें इसमें से रेड रेड ले ले कि रेड रेड की शक्ल देखें, चिंगे चरा रही है ये। अब कलर भी डिम हो गया, अंधेरा होने वाला है, मगरिब के जाने करीब। इसमें सारा टेक्सचर मिक्स करके सारा साइड पे करके रखा है, और मैंने कहा थोड़ी सी इस पर क्रमलिंग कर लेते हैं ग्रेटी रेड की। कितने रावा इन में होने दसो, एक मिनट ज़रा रेड सिटी की शक्ल चेक करें, रेड लग ही नहीं रही। OMG लग ही नहीं रही रेड सिटी की शक्ल है। देख मैंने थोड़ा सा डैम टेक्सचर रखा था, रेड सिटी लग ही नहीं रहा। ये देखें इस तरह बैठ के क्रमलिंग नहीं हो मेरे साथ वाले मोहल्ले से हाथ गुजार, हाथ निकाल के क्रमलिंग कर रही हूँ, फंस गई इतनी दूसरी जगह से दे दो क्रमलिंग करनी है मुझे। चले भाई इसकी थोड़ी सी करते हैं, इसलिए उसमें उसके ऊपर जस्ट गार्निशिंग इन्नी वड्डी शिंक इन्नी भारी। ये बहुत दसनी है, इसको तोड़ते हैं। किधर है कांडी, देखा मुंह सवार भी है इसको मेरे। चले थोड़ी सी और करते हैं किसी टेक्सचर की, अंधेरा होने वाला है, और फिर बंद करते हैं। चेकआउट, बस आजकल चेकआउट चेकआउट अरूज पे ये है।
मैं सोच रही इसको थोड़ा सा अच्छे से सूखने दूँ, उसके बाद इसकी क्रबलिंग करूँगी। फिलहाल लॉक पे जरिए एंड करती हूँ, मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, ठीक है? कल मिलेंगे ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। अभी के तो बस जो समझ आया कर लिया काम, वीडियोस पे फोकस था और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस बन गई, अजानें शुरू होने वाली है। तो इतना ही आपके आज के लिए, ठीक है? कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज़।